आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सभी शिक्षा संस्थान पर। आज हम मैथ का टॉपिक है पार्टनरशिप, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उसे करेंगे। जनरल बेस लेवल के लिए मैंने इसे तीन हिस्सों में बांटा है, आप तीनों हिस्सों को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान आपका हो जाएगा। पहला हिस्सा है जब टाइम सेम हो, आपकी जो अमाउंट, जो तीन बंदे जो अमाउंट लगाएंगे उनका तीनों का टाइम सेम है, दूसरा टाइम मैंने बनाया डिफरेंट टाइम का, और तीसरा है जब रेशियो में वो दे देता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन है ए बी और सी तीन व्यक्ति पैसे लगा करके बिजनेस शुरू करते हैं। ए ने लगाए 1,20,000, बी ने लगाए 1,50,000 और सी ने लगाए 1,35,000, तो इनको प्रॉफिट हुआ 56,700 रुपए का। तो बताइए कि प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। आप पहले इनका रेशो निकाल लेंगे, 3 जीरो से कट हो गया। अब इसके बाद 5 से 24, ये 30 और ये आपका आ जाएगा 27, 3 से और कट जाता है, 3 8 24, 3 10 30 और ये 9 पे गया 27। तो ये आपका 56,700 का प्रॉफिट था। तो ये टोटल प्रॉफिट देख लीजिए, टोटल हिस्से काउंट कर लेते हैं तो ये 27 हो गया, 27 से कटता है 57 27 से कम 27, यानी कि एक हिस्से के नाम के कितने रुपए आ गए, 2100। अब वो जिस भी हिस्से के पैसे पूछता है आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2100 को 8 से कर देंगे तो एक का हिस्सा आ जाएगा, 10 से करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा और 9 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0,08,16,800 और ये आपका हो जाएगा 21,000 और ये आपका हो जाएगा 18,900। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही बेस लेवल है पार्टनरशिप का। आपसे या तो एबीसी तीनों का अलग अलग हिस्सा पूछ सकता है, टोटल आपको बताएगा, या तो आपको टोटल बता रहा है तो किसी दो के हिस्सों का अंतर पूछ सकता है कि बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है, ए और बी के हिस्से में कितना अंतर है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, या तो ए बी सी तीनों का प्रॉफिट, तीनों का भाग प्रॉफिट में आपसे पूछेगा, या जो सेकंड क्वेश्चन बनता है आपको टोटल बता रहा है तो बी सी का डिफरेंस पूछ सकता है, ए सी का डिफरेंस पूछ सकता है, ए बी का डिफरेंस पूछ सकता है, या तो आपसे योग पूछ सकता है ए और बी को कुल कितना लाभ हुआ, या आपसे पूछ सकता है बी और सी को कुल कितना लाभ हुआ, या पूछ सकता है सी और ए को, मतलब एक ही प्रश्न से आप देखिए किस तरह से आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। आपको कुल लाभ दे रहा है, आप एक एक का हिस्सा निकाल रहे हैं, अगर अंतर पूछ रहा है आपसे, सपोज कीजिए बी और सी का अंतर पूछ रहे तो आप यही पे अंतर देख लीजिए कितना है, एक का अंतर है तो आप सिर्फ आपके पास जो सिंगल हिस्सा है उसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका आंसर है। यदि आपको इनका आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी का, तो भी आपका बड़ा सिंपल सा, आप यही डिफरेंस देख लीजिए कितना है, दो का डिफरेंस है तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2142 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपके पास ए का जो हिस्सा है वो 16,800 है, आपको ए का प्रॉफिट बता दिया उसने, वो बी का प्रॉफिट बता सकता है, सी का प्रॉफिट बता सकता है, किसी भी एक का प्रॉफिट बता करके कुल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। तो अब आप जो करेंगे डिवाइड वो इससे करेंगे, इसको यहां से आपके पास 2100 आ जाएगा। आप सपोज कीजिए सबका पूछ रहा है तो आप तीनों को टोटल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 से, तो आपका टोटल जो है 56,700 आ जाएगा। यदि इसके बाद वो आपसे बी प्लस सी का पूछ रहे हैं तो आप 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने एक ही क्वेश्चन से आप सभी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये सबसे बेस लेवल है पार्टनरशिप का, इससे आप कैसे आपके करीबन 10-12 क्वेश्चन इसी लेवल से बन जाते हैं। आइए अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले टाइम की तरफ चलते हैं, डिफरेंट टाइम, यानी कि अब आपको क्या करेगा वो अलग अलग टाइम देगा। जैसे इस प्रश्न में पहले ही आपको टोटल पैसे आपके बता रखे थे, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है,
एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए उसने छोड़ दिया है, आपको उन पैसों तक पहुंचना है। टोटल ए ने कितने टोटल पैसे लगाए, बी ने टोटल कितने पैसे लगाए और सी ने टोटल कितने पैसे लगाए। तो आइए, जैसे स्टेटमेंट है कि ये 5,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करता है और 2 महीने के बाद बी 3,000 रुपए के साथ उस बिजनेस में शामिल हो जाता है और बी के 4 महीने बाद, यहां से स्टेटमेंट समझिएगा, बी के 4 महीने के बाद सी 6,000 रुपए के साथ उस बिजनेस में शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें 2,10,000 रुपए का बेनिफिट होता है। तो बताइए उसमें ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है और सी का। प्रश्न जैसे मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, सेम एज यहां पर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है अलग अलग टाइप में। तीनों का प्रॉफिट अगर दे रहा है तो अलग अलग पूछता है, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस पूछ लेता है, जोड़ पूछ लेता है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहां भी बनते हैं। वही आप उसी से समझ लीजिएगा। आगे मैं इसको बताता हूं, ए का जो हिस्सा है 5,000 × 12 यानी किसने पूरा साल पैसा लगाया है, और बी का जो हिस्सा है वो 3,000 × 10 क्योंकि 2 महीने बाद आया, और सी का जो हिस्सा है वो 6,000 × 6 क्योंकि ये बी के 4 महीने बाद, 2 महीने वो लेट था, 4 महीने, ये तो टोटल आप 6 महीने ही बचते हैं। तो इस तरह से इसके जो पैसे होंगे, अब आप यहां से टोटल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कट करके रेशो में जाना है, तो हम यहीं पे कट कर सकते हैं, 3,0, 3,0, 3,0। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3 से कट रहा है सारा, ये 6 से कट जाता है, ये 6 से, ये 6 से काट देते हैं, 6 × 12 ये 3 और ये 5 और ये 6 और ये 6, एक कट जाता है, एक 6 रख लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचा है टोटल 6, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 10। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 10, 5, 15, 6, 21, उसने कितना कहा है 2,10,000। 2,10,000 और 21 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो एक हिस्सा आता है वो 10,000 रुपए का आता है। अब मान लीजिए उसने अगर ए का प्रॉफिट पूछा है तो वो 1,00,000 हुआ, इसका प्रॉफिट पूछा तो 50,000 हुआ और इसका प्रॉफिट पूछा तो वो 60,000, यानी कि जिसका प्रॉफिट पूछ रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि दो के प्रॉफिट का अंतर पूछेगा तो यहाँ अंतर निकाल लीजिए, 5 आता है, यदि ए और बी का अंतर पूछता है तो 5 है, 50,000 है, यदि बी और सी का अंतर पूछता है तो 6 में से 5 किया 10,000 है, यदि ए और सी का अंतर पूछता है तो 10 में से 6 किया 4 यानी कि 40,000 रुपए। तो इस तरह से नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पार्टनरशिप में अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए पार्टनरशिप के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब आपको पैसे, समय या प्रॉफिट, तीन चीजों में से कोई भी 2 चीजें सीधी रेशो में आपको बताएगा और आपसे सीधा रेशो में ही आंसर मांगेगा, तो आपको एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि रुपीज, तो मैंने आरएस लिख लिया है, रुपीज इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आपका रहेगा। जैसे आपको रुपीज एंड टाइम दिया है और प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है तो बहुत ही सरल है, 3 × 6, 3×5 = 15 और 9 × 1 = 9, ये कट जाता है, कट कर लीजिए, 3 × 6, 3×5 = 15, 3×9 चाहे तो वहां कट कर सकते थे लेकिन वहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर ले बाद में इसको करते हैं। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, आपको टाइम बता दिया 2:3:1 कि कुछ 3 व्यक्तियों ने पैसे 2, 3 और 1 के रेशो में लगाए और उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 2, 5 और 3 के रेशो में हुआ हो तो बताइए उन्होंने कितने पैसे लगाए। वहीं से फॉर्मूला बन जाता है, यदि आपसे पैसे पूछ रहा है तो इससे हम फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, रुपीज इज इक्वल टू P/T यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहां आपके पास रेशो फ्रैक्शन में आ गए हैं लेकिन आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं देगा, तो इसे आप यदि ठीक करना चाहें तो आपको एलसीएम लेना होगा, तीनों का एलसीएम आपके पास 6 आ जाता है, 2×3 = 6, 2×4 = 4, 3×6 = 5×10 और 6×6 = 18, कट करना चाहें तो 2×4 = 2×10 और 2×9 = 18, तो 2:5:9 कोई मिस्टेक शायद हुई है। टाइम इज इक्वल टू 2, 3, 1 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 2, 5, 3, 2/2, 2×3, 3×6, यहाँ 6 आएगा
और ये 236 क्योंकि हमने यही क्वेश्चन दिया था 359। इसी तरह से यदि आपको वो रुपीस बता दे कि रुपीस है आपके पास 359 और आपके पास रुपीस के बाद प्रॉफिट बता दे, प्रॉफिट है आपके पास 253 और आपसे टाइम पूछ के, तो अगेन वहीं से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। इस बार हम टाइम का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा पी अपॉन रुपीज, यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2/3, 5/5 और 3/9। यहाँ एलसीएम आप कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, 3×15 एलसीएम आ जाएगा, तो 3×15 5×10 5×3 15 और ये आपका आ जाएगा 5, 5×5 5×10 5×10 2:5 3:1। तो ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके रेशो से संबंधित होते हैं। आई होप कि आपको पार्टनरशिप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सुरभि शिक्षा संस्थान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।